आने वाली पूरी कौम बर्बाद होने वाली है, पूरा भारत बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। एक खास विचारधारा अगर बढ़ भी जाएगी और सब कुछ भी कब्जा कर लेगी तो क्या हम भारत को बचा पाएंगे? मुझे लगता है ये देश बचेगा नहीं, क्योंकि ये देश कट्टरपन की तरफ जा रहा है और हमें सबक लेना चाहिए कट्टर जो उन कट्टर राष्ट्रों से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से सबक लीजिए, सीरिया से, लेबनान से सबक लीजिए। जो जो देश कट्टरपंथी बने वो देश बर्बाद हुए हैं। भारत कट्टरपन की तरफ बढ़ा है तो ये भगवादारी लोग भारत को भी बर्बादी के रास्ते पे ले गए। तो ये विचारधारा की लड़ाई है और इसको बड़े गंभीरता से लेना पड़ेगा। ये नौटंकी क्यों हो रही है इंटरव्यू की? एक्चुअली जैसे जुडिशरी में कॉलेजियम सिस्टम है, पूरे देश के उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेज बनते हैं 75% के आसपास जजेज कॉलेजियम से आते हैं, जो लगभग 300-400 परिवारों से बनते हैं। और जो यूनिवर्सिटीज का सिस्टम हो गया है उसके अंदर भी यकीन मानिए भविष्य में केवल 3-4 हज़ार परिवारों के बच्चे ही प्रोफेसर बनेंगे, बाकी लोग तो भूल ही जाएं। या जो उस विचारधारा के कट्टर हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं घूमने जाता हूँ तो वो जो प्रोफेसर हैं वो सुबह शाखा में जा रहे हैं, वहीं यूनिवर्सिटी में शाखा लगा रहे हैं और वहीं पे वो पाठ भी पढ़ रहे हैं, भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता वो पढ़ाने आए हैं या भजन कीर्तन करने आए। भजन कीर्तन करिए, श्रद्धा मन की चीज़ है, उसे अपने घर में करिए। यूनिवर्सिटी पढ़ाने का चीज़ है, विद्या का मंदिर है, उस विद्या के मंदिर को तो पवित्र मत करो, उसको तो बर्बाद मत करो। तो ये आज एक अलग तरह की जंग छिड़ गई है देश के अंदर। डेमोक्रेसी पूरी तरह खतरे में है, देश का संविधान पूरी तरीके से खतरे में है। तो मुझे लगता है कि इस पर कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं इसके माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि इस विचारधारा जिसका जिसके कब्जे में पूरा देश चला गया है, जिसके कब्जे में सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स चली गई हैं, जिसके कब्जे में पूरे देश के सत्ता संसाधन सब कुछ चले गए हैं, वो आज पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रहे हैं और देश का संविधान भी यकीन मानिए वो खतरे में है और हो सकता है जल्द ही उसको ख़त्म करके मनुस्मृति का शासन आ जाए। तो इसके खिलाफ तो लड़ना पड़ेगा और इस लड़ाई को केवल हम शहरों में बैठ के नहीं लड़ सकते, हमें गांव तक पहुंचना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि एक समय था मैं खुद दिल्ली की यूनिवर्सिटी के रामदास कॉलेज से पढ़ाऊँ, उसके बाद कैंपस लॉ सेंटर से पढ़ाऊँ, कैंपस लॉ सेंटर में LLM का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ स्टूडेंट यूनियन का। तो मेरा अपना लंबा अनुभव यह है कि उस वक्त हम जैसे लोग आ गए तो फिर वकील भी बने और MLA बने, मंत्री बने, उस वक्त पढ़ के उस माहौल से प्रोफेसर रतनलाल आए, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव आए, रितु सिंह आई, सुधांशु आए और दूसरे साथी आए। लेकिन जिस दिशा में यूनिवर्सिटी जा रही हैं, जिस तरह सुसाइड हो रहे हैं और जिस तरह एजुकेशन को महंगा करके लगभग पूरी तरह प्राइवेटाइज कर दिया, गरीब समाज और निम्न मध्यम वर्ग और उससे नीचे का जो समाज है जिसकी संख्या लगभग 90% के आसपास है, ये समझ लीजिए उनके बच्चे हायर एजुकेशन में नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनके परिवार वो इतनी महंगी शिक्षा का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, सरकारी लॉ कॉलेज में अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है, मेडिकल कॉलेज में होता है, IIM के अंदर होता है, तो वहाँ लेके 15 लाख रुपया से 50 लाख के बीच तो सरकारी कॉलेज में चाहिए। तो आप समझिए कि देश के 90% लोग, और अगर मैं SC ST की बात करूं तो उसमें 99% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा उठा ही नहीं सकते, यानी उनके बच्चे तो कॉलेज में जा ही नहीं पाएंगे, पहले ही ड्रॉप आउट हो जाएंगे। तो पूरे देश का बेड़ा गर्क हो रहा, हम लोग उस परिस्थिति में भी आ गए, लेकिन जिस तरह आज एजुकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया है, सब कुछ बेच दिया है और एक विचारधारा जिस तरह हावी हो गई है, उस हिसाब से आने वाले समय में हमारे जो बच्चे, गरीब परिवारों के बच्चे और निम्न वर्ग के परिवार के बच्चे जो जिनकी आय लाख रुपए से कम है, मुझे लगता है उनके बच्चे तो आने वाले समय में हायर एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा पाएंगे। आने वाली पूरी कौम बर्बाद होने वाली है, पूरा भारत बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। एक खास विचारधारा अगर बढ़ भी जाएगी और सब कुछ भी कब्जा कर लेगी तो क्या हम भारत को बचा पाएंगे? सवाल केवल हमारे बचने का नहीं है, सवाल केवल SC ST का बचने का नहीं है, सवाल है ये देश बचेगा या नहीं बचेगा। मुझे लगता है ये देश बचेगा नहीं, क्योंकि ये देश कट्टरपन की तरफ जा रहा है और हमें सबक लेना चाहिए कट्टर जो उन कट्टर राष्ट्रों से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से सबक लीजिए, सीरिया से, लेबनान से सबक लीजिए। जो जो देश कट्टरपंथी बने वो देश बर्बाद हुए हैं। भारत कट्टरपन की तरफ बढ़ा है तो ये
भगवादारी लोग भारत को भी बर्बादी के रास्ते पर ले गए। अब भारत को बचाने की जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर है। हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, इसके लिए गांव-गांव में जाकर तैयारी करनी पड़ेगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भीम, जय भारत, शुक्रिया।